जीते जी अब नहीं दूंगा वोट। और बताइए जीते जी अब वोट नहीं दूंगा मैं। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, मैं तिगरी गांव मर जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मरने को मर जाऊंगा, वोट नहीं नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा। एक वोट से क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इतने युवा लौंडा तैयार हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत होगा भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बहुत कुछ होता है, एक बूंद एक वोट से बहुत कुछ होता है। जय सीताराम, जय सीताराम, हम श्री राम नहीं बोलेंगे, हम सीताराम बोलेंगे, हम उनकी घरवाली को क्या छोड़ देंगे बताओ। आए सिलेंडर खाली, ठीक है ना, बाढ़ में सिलेंडर खाली बहाए, ठीक है, बाहर दिए, हाँ, फ्री वाला, फ्री वाला है। 1200 अंधे अंधी भक्ति जो करते नो कहते हैं, चाहे 500,000 पेट्रोल हम मोदी को ही वोट देंगे। अभी दो लिस्ट लगा दी जाए पेट्रोल पंप पे के भैया जो अंधभक्त है उनको 500 है, जो वैसे है उनको 100 रुपए है, तो अंधभक्त भी 100 बारी में ही खड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। गलत बात नहीं कह रहा हूँ, सच कड़वा होता है, सच बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत बंदों को देता हूँ, कहता अच्छा गैस 500 लीटर है जाए, 500 रुपए किलो है जाए, मैं मोदी को ही वोट दूंगा। आटा चाहे 5000 रुपए किलो हो जाए खाऊंगा, पर मोदी को ही वोट दूंगा। अब साले अंधभक्ति में तरीबा में डूब दो सबको भाई वोट डालने का, सबको अपना अधिकार दिया है। महंगाई भी तो देखनी चाहिए ना, हर चीज पे बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लोग जो कहते हैं कि 500 रुपए लीटर 500 रुपए लीटर भी तेल हो जाएगा तो डलवा लेंगे, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई कह रहा है कि एक मिनट रुको, एक बार अगर कोई इंसान कह रहा है कि 500 रुपए लीटर तेल हो जाए फिर भी मोदी जी के साथ में जाना चाहता हूँ, आदमी डरवा लेगा नहीं, हर आदमी डरवा लेगा, हर आदमी की 50,000 रुपए सैलरी है, हम डरवा लेंगे, हम डरवाएंगे, डलवा लेंगे। किससे चलते हैं यहाँ पे, किससे चलते हैं, जाते साइकिल से डलवाएंगे, ये बताइए आपके लिए सरकार क्या कर पा रही है? देखो हमें सरकार तक कोई बुराई नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए सरकार, हमारी पब्लिक ये बता दीजिए कि काम कौन सा अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? इतनी महंगाई बहुत है, इतनी सैलरी हमारी 10,000 रुपए है, ठीक है, हेल्पर की 10,097 रुपए है, उसका 40% कमरे वाला ले लेता 4,000 रुपए, अब 6,000 में बच्चे पालेगा आदमी, पढ़ाएगा क्या है, स्कूल की फीस 700 रुपए है, उसमें कंपनी वालों की गलती है, मोदी की गलती नहीं है, मोदी थोड़ी ना 10,000 रुपए सबको भाई, किस लिए चुनते हैं प्रधानमंत्री के हाथ, मोदी प्रधानमंत्री के हाथ में क्या नहीं है, 50,000 भी कमा रहे हैं, 70,000 भी कमा रहे हैं, जब कंपनी गलती है तो कंपनी कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा, सरकार नहीं देखेगी, सब कुछ होता है भाई, नहीं हाथ में सब कुछ होता है, उद्योगपति के लिए, सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनो तो, एक मैं एक दो लोगों से बात कर रहा था तो कोई ये कह रहा था कि ये तो शुक्र मनाइए कि मोदी जी की सरकार है, वरना और अगर मोदी जी सरकार में नहीं रहते तो यही 5,000 सिलेंडर मिलता, 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलता, तो अब कैसे करते, कहाँ मिलता, इसी सर इसी में मिलता, कहाँ कैसे मिल जाता, 400 मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है, कुछ बता रहे हैं भैया, जो अंधभक्ति करते वो बोलते हैं, मैं 15 साल हो गए जब मैं आया था, 430 रुपए का सिलेंडर 2013 में था, लिस्ट निकाल लेना, ठीक है, और सब्सिडी अलग से जो मिलता है वो मुझे नहीं, मैं तो ब्लैक में पहले भी लेता था, आज भी ले रहा, मैं कनेक्शन नहीं कराऊंगा इस राज में, अरे सिलेंडर फ्री मिल रहा महाराज, भैया बाढ़ में बहाए सिलेंडर खाली, ठीक है ना, बाढ़ में सिलेंडर खाली बहाए, ठीक है, सिलेंडर बहा दिए, हाँ, फ्री वाला है, 1230 रुपए का सिलेंडर खरीदे, 1157 रुपए का सिलेंडर है, किताब थे 1157 रुपए का, 42 रुपए किलो चीनी है, क्या खरीद लेगा चीनी बताओ, आटा 32 रुपए किलो है, बताइए कहाँ तक खरीदेगा, एक हेल्पर की सैलरी 10,097 रुपए हो, कितना महंगाई झेलेगा, चलिए देखिए राशन का टेंशन आप मिल लीजिए, राशन का टेंशन सरकार ले रखी है, वो डेली हर महीने जो है राशन, अरे मैं तीन महीना लॉकडाउन में घर रह गया, मुझे तो राशन नहीं दिया वहाँ पे, बताइए तो बात कर रहे हो यार, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, कहाँ मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा आपको, किसको मिल रहा है, मिलता है, मिलता है ना, मिलता है, कितना मिलता है, एक क्या पैसा नहीं कटता है क्या, राशन मैं आपको मानता हूँ कि राशन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 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 मिल रहा सर, राशन मिल रहा है, एक मिनट, मिल रहा है राशन, कैसे नहीं, 80% लोगों को मिलता है राशन, फ्री गैस मिला, फ्री गैस मिला, राशन में सब कुछ मिला है,
अरे मैं जिसको मिल गया हम गुस्सा बीजेपी से हम बार बार सीना ठोक के कह रहे जय श्री राम। अच्छा सुनिए तो ये कह रहा हूँ भाई देख बाइक हम कल भी चला रहे थे अखिलेश के राज में भी और बीजेपी के राज में भी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। अब बता भाई इस सरकार में नया क्या देखा आपने? भाई हमें बहुत बढ़िया हमारी बहन बेटी सेफ है कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साल ये एक ये 25 फुट था ठीक है यहाँ पे क्या दिक्कत थी यहाँ पे हमारी बहन बेटी रात में 9 बजे के बाद सही नहीं जा सकती थी। सुनो जवाब दे रहा हाथरस में क्या हुआ था भाई 12 बजे लड़की को जरा दिया था उन्नाव में क्या हुआ था उन्नाव में बुलंदसर में क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ ना इस चीज का मणिपुर में क्या हो रहा कौन बोल रहा है बताइए मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा घुमा दिया किसने कुछ करा बताओ अमित शाह के हाथ में नहीं है पुलिस पीएसी नहीं है भाई वो देखो जो हुआ उस चीज की सुनो मोदी को वोट दिया या 3 बार आपने भी दिया है वोट तो अरे सुनिए अरे लो अरे आप ही के समर्थक रहे अरे सुनिए जीते जी अब नहीं दूंगा वोट और बताइए जीते जी अब वोट नहीं दूंगा मैं तू भी यही है मैं भी यही हूँ मैं तिगरी का मर जाऊंगा बीजेपी को वोट नहीं दूंगा तेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा बीजेपी का एक मिनट अरे भैया बहुत कुछ हो जाता इतना इतना एक मिनट इतना वक्त बताएगा भाई इतना गुस्सा कहे को बताएगा भैया अरे सुनिए तो भैया हाँ भैया सुनिए भैया मैं गुस्सा क्यों हूँगा बताओ कह रहे ना कि मरने को मर जाऊंगा वोट नहीं नहीं दूंगा भाई नहीं दूंगा भाई नहीं दूंगा बात खत्म नहीं दूंगा वोट बात खत्म हो गई मर जाऊंगा वोट नहीं दूंगा इसे भाई कोई बात नहीं यार एक वोट से क्या हो रहा है मैं कह रहा हूँ इतने युवा लौंडा तैयार हो रहे हैं कुछ नहीं होगा नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बहुत होगा भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है बहुत कुछ होता है एक बूंद एक वोट से बहुत कुछ होता है बहुत कुछ होगा बूंद बूंद से घड़े भरते हैं सोचने वाली बात है एक वोट से बहुत कुछ होता है एक वोट अब मैं बताता हूँ बूंद बूंद से भाई कह रहा है एक मिनट इस भाई का जवाब कह रहे हैं सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ हमारे शरीर में 2 पैर हैं 2 हाथ हैं हमारा एक पैर कट जाता है तो क्या हम सारा लेके नहीं चल सकते चल सकते हैं हाँ या ना मतलब बैसाखी के सहारे भी चल लेंगे चल लेते हैं ना अब एक कोट भाई का मान लग खुदा खास्ता यू मरी जाए या मैं मर जाऊं या मैं मर जाऊं मैं मर जाऊं मैं मर जाऊं एक बार कह रहा हूं इनकी बात का जवाब दे दिया ये भाई ये कह रहे हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है उसका जियाना दबाव मैंने पैर खराब हो जाता है तो सहारे से भी चला जाता है मेरे भाई तो वोट तो मिलेगी भैया कल के लिए तैयार हुए मैं कहना चाह रहा हूँ सीधा बीजेपी 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 को वोट देना अगर नरेंद्र मोदी जी बोलो सीता मैं भूल जाओ जय सीताराम जय सीताराम हम श्री राम नहीं बोलेंगे हम सीताराम बोलेंगे हम उनकी घरवाली को क्या छोड़ देंगे बताओ जय श्री राम बोलेंगे नहीं जय सीताराम बोलेंगे भाई जय सीताराम बोलेंगे हम बोले चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे हम हर हर महादेव भी बोलेंगे ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है ये बोलते हैं हर हर महादेव महाकाल जो नारा है पहले से वो नारा लगेगा ये नारा तो अब नया लगा है जय श्री राम सीताराम हमारे पूर्वज सीताराम बोलते थे भाई हमारे पूर्वज सीताराम अच्छा ठीक है ये मुद्दा नहीं है भैया अरे सुनिए तो अरे उसको छोड़िए आपको प्रॉब्लम क्या है हाँ प्रॉब्लम क्या है अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जो भी सरकार आए जनता के हित में काम करे हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई ठीक है नहीं हो रहा भाई हित में आप बताओ तुम हमारी पूर्ति नहीं कर दो मेरे भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरी आज की डेट में मेरी कल भी 32,000 सैलरी थी और आज भी है देख अभी मेरी गाड़ी में दारू की बोतल रखी हुई है मैं अभी पीने जा रहा हूँ चलो चलो